हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेली डोज विद एमडी में आपका स्वागत है। आज की कहानी मुंबई की फेमस सिद्धिविनायक गणपति जी की है। सिद्धिविनायक मंदिर की कहानी। कथा के अनुसार जब विष्णु भगवान सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्हें नींद आ गई। उस समय भगवान विष्णु जी के कानों में से दो राक्षस मधु और कैटभ उत्पन्न हुए। वो दोनों ही देवताओं तथा ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगे। मधु और कैटभ के अत्याचारों से परेशान होकर देवताओं ने श्री विष्णु की आराधना की और उनका वध करने को कहा। इसके बाद भगवान विष्णु जी अपनी निद्रा से जागे और उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहे। भगवान विष्णु ने भगवान शिव से सहायता मांगी। तब भगवान शिव ने उन्हें बताया कि गणेश के बिना यह कार्य सफल नहीं हो सकता है। इसके बाद भगवान विष्णु ने गणेश जी का आह्वान किया। भगवान विष्णु के प्रार्थना पर गणेश जी प्रकट हुए और दोनों राक्षसों का वध कर दिया। राक्षसों के वध के बाद भगवान विष्णु ने एक पर्वत पर मंदिर बनवाया और भगवान गणेश की स्थापना की। इसके बाद उस स्थान को सिद्धटेक और मंदिर को सिद्धि विनायक के नाम से जाना जाने लगा। तो आइए जानते हैं सिद्धि विनायक मंदिर में एंट्री कैसे लिए। इस मंदिर में प्रवेश के लिए दो द्वार है। सिद्धि गेट से आप मुफ्त में भगवान के दर्शन कर सकते हैं, जबकि रिद्धि गेट से सामान्य दर्शन होते हैं। यहाँ पर सीनियर सिटीजन, छोटे बच्चे और विकलांग श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खास सुविधा होती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सिद्धि विनायक गणपति जी की कहानी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और आपका अनुभव कैसा है ये भी ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।